अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। पाकिस्तान को चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन के लिए सीरीज ना रखा करें, क्योंकि अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो ही खत्म कर लेते हैं। दो सीरीज रखी थी, बल्कि तीन, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक आयरलैंड के खिलाफ, एक इंग्लैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड से जीत नहीं पाए बी टीम से, आयरलैंड से एक मैच हार गए, बेइज्जती हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ तो मुझे लग गया कि हम शायद 3-0 हार जाएंगे, तो ये प्रिपरेशन सीरीज ना रखा करें, बेरा गर्क हो जाता है। हमेशा पाकिस्तान ना ये सीरीज हार के ना वर्ल्ड कप के अंदर लो कॉन्फिडेंस के अंदर जाता है और फिर इंडिया के साथ मुकाबला पड़ जाता है, वो रोहित शर्मा हमारे बॉलरों के साथ हसन नशर कर देते हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। ये दोबारा हर साल रिपीट होने लग गया है, ये मैं मैंडेटरी मरीज बन जाऊंगा, ये पाकिस्तान टीम से तो हो गया है। देखिए, जब तक ये सिलसिले जारी रहेंगे तो ये होता रहेगा। टीम में मसले हैं ना, टीम के मसले जो पॉइंट आउट करते रहेंगे हम, यहाँ अपने खून जलाते रहेंगे, आप सरदर्द करते रहेंगे, लेकिन जो करता करता है अगर उनको समझ नहीं आएगी तो फिर ये काम होता रहेगा। मसला ये है कि हमारे अंदर नेचुरल टैलेंट की कमी है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया के प्लेयर्स से टैलेंट में बहुत पीछे हैं। अफरीदी ने एक वक्त में बात की थी, सारे अफरीदी के पीछे पड़ गए थे कि हमारे मुल्क में नेचुरल टैलेंट नहीं आ रहा, वो बात अब सच साबित हो रही है। एक तरफ दुनिया की क्रिकेट 250 की तरफ जा रही है, एक तरफ जो है हमारे प्लेयर्स हैं उनसे 60 रन चेज नहीं होते 30 बॉलों पे। ये दुनिया क्रिकेट में आजकल आसानी से हो जाते हैं, लोगों के लिए बाएं हाथ का काम है, लेकिन एक बंदा आपका ही टीममेट एक पिच पे आके 22-23 बॉलों पे 45 कर रहा है और बाकी सारे प्लेयर्स आके उनसे बल्ला नहीं चल रहा। साइम यूम नया टैलेंट, हमारा जो बॉक्सी था किंग ने, हमारे जो एक वक्त में किंग बाबर आजम होते थे, उनसे बल्ला नहीं लग रहा। तो नेचुरल टैलेंट की कमी है ना, फिनिशर हमारे पास है नहीं, तो ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे और वर्ल्ड कप से ज्यादा उम्मीद ना लगाए, खून न जलाए। लगाना बनता भी नहीं। आप देखें, हमने अमेरिका जाना है, 1.5 करोड़ की टिकटें खरीदी हुई लोगों ने, पाकिस्तानियों की तो 1.5 करोड़ बनते हैं ना, इंडिया के 50 करोड़ बनते हैं, 50 लाख बनते हैं, तो भाई इंडिया ही खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाएंगे क्या करेंगे। देखिए, इंडिया के फैंस, इंडियन फैंस एक बात करते हैं ना कि हमारी राइवलरी आपके साथ है ही नहीं, अब वो तो ऑस्ट्रेलिया को अपना राइवल मानते हैं, वो इंग्लैंड को कहते हैं हमारा मुकाबला है, आपके साथ हमारा मुकाबला नहीं। तो एक बार एक लिहाज से बात सही करते हैं कि मैच क्वालिटी बड़ी पीछे रह गई हमारी। अब देखिए, इंग्लैंड ने आज हमें हराया है, ऐसे हराया आसानी से, वो हंसते खेलते ही हरा दिया हमें। देखिए, बॉलर वो लिविंगस्टन ने कभी जिंदगी में बॉलिंग करवाई नहीं, हमें आउट कर गया फखर जमान को। इसके अलावा बस अजीबो गरीब सी वो आर्चर हंसते हंसते वो जोर ही लगा रहा, वो कमर पे कैच करवा दिया। ये ऐसे तो अपनी विकेट थ्रो किए हैं, वर्ल्ड कप में भी ये होगा, हम आपको दिल जलाएंगे। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के अंदर बुरा करने वाली है ये लग रहा है, क्योंकि देखिए आपसे 3 सीरीज प्रिपरेशन की, आप अच्छी खास प्रिपरेशन कराई है आपने, आपसे मैचेस ही नहीं जीते जा रहे, तो ये क्या होगा। देखिए, 183 रन से ना चेस करने वाले, ये वही स्कोर है जो आयरलैंड ने हमारे खिलाफ चेस कर लिया था, तो ये स्कोर आजकल आसानी से चेज होते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि हमारे पास फिनिशर नहीं है, पावर हिटर नहीं है, छक्के मारने वाले प्लेयर नहीं है। दुनिया के पास क्लासन है, दुनिया के पास स्टोइनस है, शिवन दुबे है, हार्दिक पांड्या है, पता नहीं क्या क्या प्लेयर है, नेचुरल टैलेंट है, उनको मारना था, गेम अवेयरनेस है उनके पास, गेम को कैसे लेके चलना है। आज जिस तरह इफ्तिखार साहब आउट हुए हैं, आखिरी बॉल पे क्या जरूरत पड़ी थी, 15 रन आ चुके थे, एक और छक्का मार के 21 आ रहे थे, एक बॉल बीट करते, सिंगल करते, अगले मैच तक, अगले ओवर तक गेम को लेके जाते, लेकिन मैच अवेयरनेस नहीं है ना उनको, लगता है कि मैं जब मारूंगा तो छक्का ही होगा, आउट होना, मैं आउट हो ही नहीं सकता। और ये चीजें तब होती है जब आपको बताओ कि मुझे बाहर कोई नहीं कर सकता, मैं चाहे 10 मैचों में फेल हूं, मैं चाहे 20 मैचों में फेल हूं, मैंने कौन सा बाहर हो लेना है। अब शदाब खान 55 का है, उसको किसने बाहर कर देना है, तो वो क्यों मेहनत करेगा, वो क्यों परफॉर्म करेगा, वो 55 बॉलिंग में खाएगा, 3 बैटिंग में करेगा, लेकिन वो खेलता जाएगा, खेलता जाएगा, खेलता जाएगा, पिछले 1.5 साल से खेल रहा है, अगले मजीद 1.5 साल खेल जाएगा। देखिए, सरफराज अहमद की कप्तानी में T20 फॉर्मेट पाकिस्तान का वही टूर्नामेंट होता था या फॉर्मेट होता था जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा करती थी, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ही सेटल आउट होती थी, पाकिस्तान को पता होता था इनके नंबर ओपनर कौन है, कौन इनके मिडल ऑर्डर है, कौन फिनिशर है, सब कुछ सेटल होता था। लेकिन अब ये हुआ है कि जो 2-3-4 साल पहले इंडिया हरकतें करता था ना कि चौथे नंबर का प्लेयर चेक कर रहे हैं, ओपनर चेक कर रहे हैं और फिर वो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस देते थे वर्ल्ड कप में, अब हम वो हरकतें कर रहे हैं, अब हम भी यार वो चेक कर रहे हैं, अभी तक हम चेक ही करी जा रहे हैं, वो चेक करते करते ऐसा बेरकर्क हो गया कि हमारी टीम सेंटर में प्लेइंग 11 आपको पता वर्ल्ड कप में क्या, आप अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में 6 दिन रह गए हैं, आप मुझे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाएं। कोई प्लेइंग 11 नहीं, हमारा डिसाइडेड कुछ नहीं है, हमने ये 11 मैचेस जो वर्ल्ड कप पहले थे इसमें अपनी प्लेइंग 11 बनानी थी, और हमने ये सुना था कि ये जो 7 मैचेस हैं न्यूजीलैंड और आयरलैंड वाले, इसमें हम अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड कर लेंगे और इंग्लैंड के खिलाफ हम अपनी जो है ना जो वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 उतारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब साइम अयूब जो है वो दोबारा क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। आपने सरफराज अहमद की बात की थी इमरान, सरफराज अहमद को चाहिए था कि अपना नाम बाबर आजम रख लेते, अगर उनका नाम बाबर आजम होता ना तो वो एक गलती एक सीरीज हारने में कभी भी कप्तानी से ना हटाए जाते, क्योंकि अगर बाबर आजम ऐसा करे, बाबर आजम देखे लगातार हारे लेकिन उनको निकाला नहीं जा सका, तो सरफराज अहमद का नाम अगर बाबर आजम होता तो कभी भी नहीं निकाले जाते। ये तो सिर्फ बाबर आजम ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं, इसका नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, बुरी बात होती है, लेकिन साइम अयूब जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना,
तो जल्द इनका नाम पड़ जाएगा शेम अयूब। देखें शेम हो जाएगी इनकी, शेमलेस हुए पड़े हैं। देखें साइम अयूब से शेम अयूब ना बने, कुछ कर जाए पाकिस्तानी टीम के लिए। अल्लाह ने आपको पाकिस्तान से खिलाया है तो कुछ करे ना, ऐसे नहीं होता 23 मैच हो रहे हैं आप कुछ करो ही ना। देखें उस हमने तो नहीं करवाना, जो कप्तान है जो उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है, पता नहीं कैसी कॉन्फिडेंस है कि 23 मैचों का कॉन्फिडेंस है। एक तरफ उस्मान खान ने 2-3 मैच उसने शायद खेले, वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन साइम अयूब 23 मैच 24 मैच हो चुके हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अभी तक बहाल ही नहीं हो रहा जो कप्तान को देते जा रहे हैं, लेकिन उनको मौके में मौका मिल रहा है। अभी सुनने में आ रहा था कि वर्ल्ड कप स्कोर उनको ड्रॉप कर दीजिए, उनकी फॉर्म नहीं है, फखर जमान को ओपनिंग करवा दे, आज फखर जमान चले, लेकिन उस तरफ भी नहीं जाना। अब जिस बंदे को इतना सपोर्ट करना उसको इतना सपोर्ट कर देना कि वो बाहर ही नहीं हो सकता, और किसी को इतनी सजा दे देनी कि वो एक मैच भी पूरा खेले तो बाहर है, तो ये जब तक ये चलेगा ना। एक एग्जांपल दूं आपको, ये जब आप गए थे 4 माह पहले न्यूजीलैंड गए थे हम, वहां पर साहिब ज्यादा फरहान आए थे डोमेस्टिक टॉप परफॉर्मर, 3 मैच में नहीं चले बाहर फारक, उसको उनका नाम भी नहीं आज। अब इनके कितने मैच हो गए साइम अयूब के, बल्कि शेम अयूब के 23 22 ये कब बाहर होंगे? वर्ल्ड कप के बाद होगी। अच्छा वर्ल्ड कप के बाद होंगे, दोस्त को वर्ल्ड कप खिला दिया जाएगा, शहजाद खान का बाहर होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच खिलवा दिया जाएगा दोस्त को, ये होगा। शहजाद खान भी खेलेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, बाहर होंगे वो, जब हारेंगे तो बाहर होंगे। शहजाद खान का बाहर होंगे, शहजाद खान ने कौन सा फॉर्म दिया इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद? एक बड़ा मैच खिलाना है दोस्त को यार, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने आपको कितने मैसेजेस दुआ दी जो कि लगातार खेलते जा रहे हैं। आपको बताएं एक न्यूजीलैंड का मुझे मैच याद आता है जिसमें उन्होंने शायद फिनिश वो भी नहीं कर सके थे, लेकिन एक अच्छी इनिंग खेली थी। उसके अलावा मुझे बता देना इफ्तिखार अहमद क्या है, इफ्तिखार अहमद हमारी टीम के साथ जो मतलब इस उम्र में आगे लिपट गए हैं, छोड़ ही नहीं रहे या उनको निकाला नहीं जा रहा, उनकी खुद की परफॉर्मेंस क्या है? आपका डोमेस्टिक सर्किल भरा हुआ है, आप वहां से 3 नए प्लेयर लेके आए, आपने 25 का लॉट बनाया हुआ है, उसमें से 10 निकाल देते हैं, उसमें से 5 टीमें ले आते हैं, वापस जो 5 निकलते हैं दोबारा 25 के लॉट में चले जाते हैं, उन्हीं में से घूम के फिर उसमें से 2-3 वापस आए थे, तो डोमेस्टिक तो नया लड़का तो आया ही कोई नहीं है। अबरार पीछे बैठा हुआ है, हम वहां पर रो के पीट गए। अगर ये 55 जो इसका शहजाद खान ने खाया, गैनवन स्पिनर होता तो शायद ये 25 खा लेता, 30 रन कम खाता तो शायद हम आज का मैच जीते होते, लेकिन उनको खिलाए कौन, क्यों खिलाए? शैडी द बॉय हमारे जो बैटिंग ऑलराउंडर है उनको खिलाना है, उन्होंने 3 रन किए, बैटिंग ऑलराउंडर ने 3 रन बना दिए हमारे, और क्या चाहिए? तो बस ऐसे ही होता है ना, मेरे आपने दोस्ती आगे करवानी बार 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 आप एक ही बात करी दोस्ती, ये भी हमारा भी दिमाग खराब हो गया, ये दोस्ती यारी हम ये क्या क्या के पागल हो गए कि दोस्ती यारी तो मैं यही तो कह रहा हूँ पागल हूँ मैं दोस्ती यारी कह के अपनी बेइज्जती खुद करवाऊँ, नहीं सुनने वाले ना सुने, लेकिन देखें ये क्या कब तक चलेगा। पाकिस्तानी टीम का दुख होता है यार, अब क्या करें, सपोर्ट तो करनी पड़ती है, वर्ल्ड कप आएगा फिर सपोर्ट करेंगे पाकिस्तानी टीम को क्योंकि मोहब्बत है। देखिए पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बुरा करेगा उसको किसी से सपोर्ट करें, अब हमसे नहीं कहा जाता यार, हम आप कप्तानी से मैच हमें हराते रहे और हम आपको डिफेंड करते रहे कि बाबर ही कप्तान रहेगा, ये बाबर वापसी वाला जो कप्तानी वाला जो वापस उनको कप्तान बनाएगा, ये ब्लंडर हो चुका है टीम में, ये ब्लंडर हो गया। अगर फिर वही बात है, फायदा कोई नहीं, वर्ल्ड कप आ गए, ये रिजवान की रिजवान की कप्तानी खा गए, एनर्जी वेस्ट करने का फायदा कोई नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।